नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। दिल्ली में हुए हिंसक झड़प यानी जो दिल्ली में हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसको लेकर सियासत लगातार जारी है। लोग जो राजनेता हैं एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी के लोग कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो फिर दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। मतलब एक के बाद एक जो नेता है वह तमाम दूसरे पार्टियों पर आरोप मढ़ रहे हैं। इसको लेकर लगातार बीजेपी पर भी काफ़ी प्रहार किया गया विपक्षों के तरफ से। तो इसको लेकर अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खड़ी खोटी सुना दी है कांग्रेस को। आप सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा धर्म का पालन करता है। दिक्कत यह है कि जिस सोनिया गांधी ने यह बात सरेआम घोषणा की कि अब आर या पार की लड़ाई लड़ लेनी है, और जिस सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका के कहने पर यह सारे दंगे भड़काए गए और जानबूझ के देश को बेइज्जत करने का काम किया गया कि जब एक अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो बिल्कुल साजिश के तहत हर इलाके में CAA का वायलेंस उग्र हो जाता है या अपने आप में बताता है कि यह पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वह इस साजिश की जनक थी। इन्होंने खुद ही दंगा भड़काने का काम किया और उसके बाद फिर यही कह रहे हैं कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तौर पर दंगे को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि सोनिया गांधी और वारिस पठान जैसे तत्व मिल करके इस देश को आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संजय जायसवाल लगातार दिल्ली मामले को लेकर बोल रहे हैं और एक के बाद एक कई सारी बयाने उन्होंने अभी तक दी है और एक बार फिर से उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में NRC CAA के विरोध को लेकर प्रदर्शन जारी था और पिछले एक सप्ताह के अंदर वहाँ पर स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, काफ़ी हिंसक घटनाएं भी वहाँ पर हुई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है और स्थिति सामान्य है अभी, तो किसी भी तरह के अफवाहों में ना फंसे और इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा ना दे। आप बटन हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।